ये क्या है सुलोचना? पास्ता है। ये क्या अंग्रेजों वाला खाना बनाया तुमने? दाल रोटी सब्जी नहीं बना सकती थी, और बनाया भी तो कम से कम यही ठीक से बना देती। पूरा कच्चा है, यही देखना बचा है मेरे लिए। कच्चा खाना घोट के खाऊं मैं? दादा, मैं बावर्ची नहीं हूँ जो आपके लिए 56 भोग बना दूंगी। एग्जैक्टली। और काका, अगर आपको स्पेशल खाना खाने का इतना ही शौक है, तो आप काकू को बुला क्यों नहीं लेते वापस? देखिए दादा, मुझे जितना खाना बनाने आता है मैंने उतना खाना बना दिया है। अगर आपको खाना है तो खाइए, वरना बाहर से ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है? इस तरफ देख। कीर्ति, चल। अम्मा, वो पल्लवी ने भाई के लिए दवाई मंगाई है, आप चलो आगे, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, जल्दी आना। सनी, तुम यहाँ कैसे आए? वेदांत, उसने मिलकर आई। थैंक गॉड सनी। राघव कैसे? अभी अभी होश है उसे, शायद उसे पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। जैसे ही पल्लवी का फोन आया अम्मा को, वैसे ही फौरन हम यहाँ आ गए। क्या हुआ सनी, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ये समझ कि पल्लवी और राघव की लव स्टोरी का एंड होने वाला है। मतलब? जो आपके मन में है, जो आपके दिल की बात है, वो जाके जीजू से कह दो, बोल दो उन्हें। सारे फूल गिरा दिए। दीदी, आपने जो आवाज सुनी ना, वो उस नर्स की नहीं थी, आपके दिल की थी। तो मान लो अपने दिल की बात और जाके बोल दो। La 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 la
प्लीज एक बार मेरे को पल्लवी के पास लेके चलो, वो मेरे से बहुत गुस्से में है। मेरे को पल्लवी को सॉरी बोलना है अम्मा, प्लीज। तुझे ऐसे कैसे लेके जा सकता है? अपनी हालत देखा, तू बाहर नहीं जा सकता है राघव। हाँ भाई, उसे अगर तुम्हारी फिक्र होगी ना तो वो अपना गुस्सा छोड़ के खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। वो नहीं आएगा कीर्ति, मजाक मजाक में मैंने उसको बहुत हर्ट कर दिया है। अच्छा ठीक है, मैं फोन करता है उसको। I'm really, really sorry. मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता, वो मैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राघव, मेरी जिंदगी में बहुत लोग रहे जो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरी तन्हाई दूर करने वाले तुम इकलौते हो। मेरी हंसी में शामिल होने वाले कई लोग रहे हैं, लेकिन मेरी खुशियां बांटने वाले तुम इकलौते हो। पता नहीं कैसा एहसास है ये, लेकिन जब से तुम मिले हो तब से सब कुछ अच्छा लगने लग गया है। पूरी जिंदगी एक पार्टनर की तलाश थी, वो तलाश तुम पर आकर थम गई है। तुम वो हो राघव, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं बल्कि उतनी जिंदगी चाहती हूं जितना साथ हो। दुश्मनी का सफर आदत पर जाकर कब रुका मुझे पता ही नहीं चला। राघव, पल्लवी, पल्लवी।
पल्लवी तुम खिड़की में क्या देख रहा है? पल्लवी ठीक तो हो ना? तुम्हें लगा तो नहीं? सॉरी। Yes. Sorry. पल्लवी क्या तू यहाँ हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रही है और कहाँ खोई है तू? काका वो क्या हुआ है? काका आप मुझे गलत मत समझना पर शायद अभी मैंने मंदार को देखा। मंदार? पल्लवी बेटा ये ऐसे कैसे हो सकता है? पल्लवी पल्लवी देख पिछले कुछ दिनों से तू बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। पहले तो मंदार का सच, अब राघव का एक्सीडेंट, पिछले 24 घंटे से तू ठीक से सोई भी नहीं है, इसीलिए तू शायद कुछ इमेजिन कर रही है। तू एक काम कर, घर जा, आराम कर, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है? अभी नहीं काका, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। मिस्टर राघव में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, इसलिए थोड़ी देर में इनका ड्रेसिंग में हटा रहा हूँ और आज शाम को ही डिस्चार्ज हो जाएगा। पर आप लोगों को घर में इनका बहुत ही ध्यान रखना होगा और इन्हें अभी भी आराम की सख्त जरूरत है। जी डॉक्टर, मैं और पल्लवी इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना पल्लवी? पल्लवी जी कहाँ खोया है? थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम एंड यू टेक केयर मिस्टर राघव। फरहत तुम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो हॉस्पिटल की, हाँ, और स्टाफ से कह के राघव का रूम तैयार करवा दो। जी अम्मा। हाँ वहनी, मैंने भी पल्लवी से यही कहा
कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है ना, इसीलिए उसे वहम हुआ होगा। लेकिन एक बात बताऊं वेनी, पल्लवी ना बहुत ज्यादा टेंशन में है और उसे आपकी जरूरत है। आप प्लीज जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ बाय। डैड, आज राघव का डिस्चार्ज हुआ है और वो अपने घर वापस आ गया है, तो इस बात पे पार्टी तो बनती है ना? हाँ हाँ, पार्टी तो होनी चाहिए ना बेटा। आजा 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 आजा। ओ हो हो, अमृता क्या? ओ हो बर्गर, क्या बात है, ये क्या है? पेस्ट्री, हा, क्या बात है, और इसमें क्या है? ओ हो पिज्जा, क्या बात है अमृता, वाह। तो एक काम कर, एक बढ़िया सा गाना चला दे, हम दोनों मिलके उस पर डांस कर लेते हैं। वैसे भी लोगों की बद्दुआओं के बाद भी हमारा राघव सही सलामत घर जो लौट आया। ओहो, मिल गई शांति। वो तो अपने बेटे राघव के ठीक होने पर ही मिल गई थी, और शायद पप्पा को भी हमारे इस घर का बंटवारा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने आप ही से आपकी खींची हुई लकीर मिटवा दी। राजन, सारे पिलो कवर चेंज हो गए ना? जी मैम। तो ये सारे पिलोज वहाँ लगा दो, और गोपी तुम वो साइड बेल लगा दो। ओके मैडम। और वो सब होने के बाद ना ये टेबल भी वहाँ रख देना, ताकि सर वहाँ आराम से बैठ के खा सके। इसी के वजह से सब हुआ। राजन, सबसे पहले तो ये कील निकालो यहाँ से। मैम, यहाँ रख दो। तुम सब लोग बाहर जाओ, बाद में आना। पर राघव अभी तक काम बाकी है। ये सब बाद में भी कर सकते हैं, चलो बाहर जाओ। तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना है पल्लवी। क्या हुआ राघव, क्या बात है? तुम वहां हॉस्पिटल में मेरे को कुछ कह रहा था, आई थॉट तुम मेरे। इतना बेचैनी से मैं किसी का बात सुनने का वेट नहीं किया जितना उस वक्त कर रहा था, और तुमको वहां खिड़की में कुछ दिख गया और तुम वहां से चले गया। जब तुम वापस रूम में आया, तुम्हारे फेस पे क्लियरली मेरे को टेंशन दिख रहा था। तुम बहुत डिस्टर्ब था पल्लवी, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन एटलीस्ट वो हॉस्पिटल वाला बात पूरा कर दो। ऐसा बीच में मत लटकाओ मेरे को पल्लवी। राघव, मैंने हॉस्पिटल में मंदार को देखा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।